वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम कासिम है। किस जगह से आप तशरीफ़ लाएँ? जी मैं लोसो शकू वाकेंट से तशरीफ़ लाया हूँ। तो आपके भाई के साथ क्या हादसा पेश आया है? हाफिज भाई था मेरा, कुरान पाक का हाफिज था माशाल्लाह। तो वो जो उनसे आज 2 महीनों से काफ़ी अपसेट था, कभी रोता था कभी क्या, हमें नहीं पता था क्या मसला है। हम दवाइयाँ कर रहे थे अस्पतालों से, तो अभी 2 दिन पहले भाई को जो उनसे है ना लटके हुए पाया हमने, दरख्त के साथ लटका हुआ था, घर में दरख्त था, रस्सी के साथ जो उनसे अपने आप को ख़त्म कर लिया उसने। तो उसके दोस्त आए तो उन्होंने बताया कि इस तरह वो बहुत परेशान रहता था, कभी कान पकड़ना, टेक्सला में उसकी दुकान थी परिंदों की, तो कभी कान पकड़ना, कभी माफ़िया मांगना, कभी इस तरह मतलब कि करता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तो उसने कहा कि मैंने चिल्ला काटा है, तो चिल्ला मुझसे गलत हो गया है। ठीक, तो क्या बताया कि चिल्ला किसे काटा है, कैसे काटा है, किस जगह काटा है? ये नहीं बताया, लेकिन जब भाई को हम दफना के आए हैं रात के टाइम दोबारा वो चीज़ें हाजिर हुई हैं, तो मेरे बहनोई के कानों में ये आवाज़ आई और मेरे भी नहीं आई कानों में आवाज़ और किसी के कि ये खून, ये उल्लू का खून है। उल्लू का खून है, सही। तो भाई ने किस तरह आपकी ये खुदकशी की है? छत पे गया है पहले दुआ कर। किस तरह देखा आपने अपने भाई को? मेरे अबू जोर की नमाज पढ़ के सो गए थे, असर की नमाज के लिए जागे हैं, देखा है कि पोता उनका खेल रहा है छत के पास। उन्होंने उसको देखा और कहा क्या कर रहे हो? जूं देखा तो उनका बेटा लटक रहा था, मेरा बड़ा भाई। तो उसने कैसे अपने आप को लटकाया, किस तरीके से लटकाया? ये रस्सी के साथ लटका हुआ था इसके साथ, तो उधर घोड़ी भी पड़ी हुई थी। लेकिन जिस टाइम हम उसकी मैयत लेने गए थे हॉस्पिटल में गए हैं, तो मेरे छोटे भाई वहाँ पे थे, हमने उनको घर पे भेजा, वो कह रहे हैं कि मैं घर गया हूँ, मैंने रस्सी को सिर्फ हाथ लगाया है तो दरख्त से नीचे आ गया, कोई गठ नहीं खोली और ये इतनी ऊपर थी और कोई खोलता भी नहीं है क्योंकि ये कत्ल केस बन जाता है। तो ये उसने भाई ने हाथ लगाया तो आ गई है, उसी रस्सी से भाई लटक रहा है और उसी को हाथ लगाओ तो नीचे आ गई है। जो आप इधर अस्ताने अलिया पतरेटा शरीफ आए, तो जैसे आपके भाई के साथ एक हादसा आया है, तो जो लोग इस तरह और इस तरह मुब्तला हैं, आप उनको क्या हिदायत करना चाहते हैं? मैं यही हिदायत करना चाहूँगा कि जब तक आप किसी से इजाज़त नहीं लेते, जो जिनके पास इतनी ताकत है कि वो इजाज़त दें चिल्ला काटने की, तब तक इंसान को ये काम अपने से बड़ा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अभी भाई ने भी किया है, उसको ये मसला बन गया है, तो इससे अच्छा है कि इंसान पहले किसी पीर से फकीर से मशवरा करे, उनसे इजाज़त ले, उसके बाद ही ऐसा कदम उठाए। ये छोटा कदम नहीं होता है, बहुत बड़ा कदम है। अदर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इनके भाई के साथ जो हादसा पेश आया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिसकी वजह से ये उनके ऊपर ये अमल हुआ है, तो उसके सिलसिले में मैं तमाम दुनिया को, अहले महफ़िल वालों को ये मैसेज देता हूँ। तो किताबें मिलती हैं मुख्तलिफ अनवान की, लोगों ने रोज़गार बनाया हुआ है, नेट खोलें तो बेशुमार वहाँ पे वज़ायफ़ दिए होते हैं कि जनाब ये चल परी को काबू कर सकते हैं, फलानी परी को काबू कर सकते हैं, हम जात को आप काबू कर सकते हैं। टोटल फ्रॉड और धोखा है। और शौकीन जो हजरात है, अहले शौक वाले, खाली वो नेट पर देखते हैं तो देखिए वो वज़ायफ़ और अमल शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा जिस तरह इनके काबिल मोहतरम भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे, हाफ़िज़े कुरान थे, इनके साथ हादसा हुआ। इस तरह बेशुमार लोगों के साथ भी हादसे होते हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं। तो ये जो इल्म है रूहानियत का, ये वो इल्म है, एक ज़हीन तरीन इंसान, जैसे दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल मैं देता हूँ आपको, बड़ी बड़ी दुनिया ज़हीन तरीन है, लेकिन मैं मिसाल दूंगा डॉक्टर के दिल की। बड़ा एक ज़हीन तरीन इंसान था जिसने एटम बम बना लिया, जहाँ पे डॉक्टर के दिल की सोच फेल हो गई है, वहाँ से रूहानियत की अलीफ अनार और बेबकरी शुरू होती है। तो मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, अगर किसी को कुछ शौक हो, कुछ जज्बा हो, तो उसे कामल मुर्शद, कामल अपना उस्ताद, कामल को फकीर पकड़े, ताकि उसकी पीठ पे उसका हाथ हो,
تو تب ہی عمل حاصل ہوتے ہیں. آج کل دنیا کہتی ہے جی نہیں جی یہ بس فلانا وظائف پڑھیں فلانی پری آئے گا, نیٹ کھولیں تو نیٹ بھرا ہوا ہے. تو جتنے بھی یہ لوگ نیٹ پہ دے رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا خدا را یہ کام آپ نہ کریں, جھوٹھی شہرت آپ حاصل نہ کریں, لوگوں کے قاتل نہ بنے آپ. تو اگر میرا کوئی بہن بھائی بزرگ ہو کوئی بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کامل مرشد ہونا چاہیے, کامل استاد ہونا چاہیے, اس کے بغیر ناممکن ہے. تو آخر پہ ہم اس کے بھائی کے لیے دعا کر دیتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو جنت میں جگہ دے, ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور ان کے لواحقین جو ہیں بھائی ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں پھر آخر پہ یہ اپنا میسج دینا چاہتا ہوں آخر پہ کہ کامل مرشد اور کامل استاد پکڑیں, اس کے بغیر یہ منزل ناممکن ہے. اللہ حافظ. اسلام.